नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक आजाद मुल्क की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी नेता थी। उन्होंने हमेशा भारत को उसके सच्चे अर्थों में संप्रभु बनाए रखने की कोशिश की। 19 जुलाई 1969 को जब उनके प्रधानमंत्री रहते 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में जमा राशि 800% से अधिक की वृद्धि हुई। बैंक शाखाएं 8200 से 62,000 तक अधिक हो गई। इनमें से ज्यादातर शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खोली गई। 1971 में श्रीमती गांधी की सरकार ने कोयला, इस्पात, तांबा, रिफाइनरी, कपास, कपड़ा और बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण नीति के पीछे व्यक्त की गई प्रमुख चिंता संगठित श्रमिकों के रोजगार और हितों की रक्षा की थी। पूरे देश का सीना तब फक्र से चौड़ा हो गया जब इंदिरा जी ने संसद में 16 दिसंबर 1971 को ऐलान किया कि पाकिस्तान की सेना ने बिना शर्त समर्पण कर दिया है और ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। लंदन से प्रकाशित द इकोनॉमिस्ट ने उन्हें एम्प्रेस ऑफ इंडिया तो विपक्षी नेताओं ने श्रीमती गांधी को दुर्गा कहा। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हमें इस राष्ट्रवादी नेता की देश के प्रति प्रतिबद्धता को याद करना चाहिए। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उसे गांव-गांव तक पहुंचाया। आइए इस दिवस पर हम अपने देश को आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत सुरक्षित बनाने के लिहाज से सुनहरे रास्ते पर ले जाने की प्रतिज्ञा लें। इंदिरा गांधी जी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।